Good morning guys, welcome to my new vlog. आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है फ्लिंडर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन और आज हम कवर करेंगे मेलबर्न सीबीडी के 10 मोस्ट अट्रैक्शंस और अब हम स्टार्ट करते हैं ये फ्लिंडर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन से. तो गाइस सुबह के 9 बज रहे हैं और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं. अपनी अपनी वैलिड माइके टिकट्स हमने ले ली है. टच ऑन करके हम ट्रेन में बैठ गए हैं. ट्रेन काफ़ी खाली दिख रही है और ये देखिए 21 स्टेशंस के बाद हम लोग फ्लिंडर स्ट्रीट पहुंचने वाले हैं. तकरीबन एक घंटे की हमारी जर्नी होने वाली है. ये देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रेफिटी करी हुई है और जो ग्रेफिटी है ये एक ऑफेंस है ऑस्ट्रेलिया में. अब हम पहुंच गए हैं फ्लिंडर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन. ये मेलबर्न का सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन स्टेशन है जो कि 1854 में शुरू हुआ था और यहाँ के जो लोकल्स हैं और विजिटर्स जो यहाँ आते हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन पॉइंट है. अब आप यहाँ देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है एक फार्मेसी भी है स्टेशन में और उसके बगल में ही आपको नज़र आ रहा होगा कन्वीनियंस स्टोर है. काफ़ी सारे वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं. बहुत सारे डिस्प्लेज हैं यहाँ पर. कॉफ़ी शॉप्स भी हैं अगर आप चाहें छोटा मोटा स्नैक्स लेना या ब्रेकफास्ट करना. इन्फॉर्मेशन या जानकारी कुछ चाहिए ट्रेन के बारे में तो इन्फो सेंट्रल है. ये आप देख सकते हैं बहुत ही मैसिव बिल्डिंग है और जैसे मैंने आपको बताया था ये सदर्न हेमिस्फीयर का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर तकरीबन 1500 ट्रेन्स डेली चलती हैं. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ करीब 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स में ट्रैवल करते हैं डेली. ये डिस्प्लेज हैं और इन डिस्प्लेज के ऊपर आप देखें काफ़ी नुकीली सी चीज़ें लगी हुई हैं ताकि कबूतर वगैरह ना बैठ सके उन डिस्प्लेज पे. तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे माइकी बैरियर्स. अगर आपने माइकी टच ऑन नहीं किया है तो आप टच ऑफ भी नहीं कर पाएंगे. तो आप एक वैलिड माइकी टिकट हमेशा लेके चलें. यहाँ पर देखिए एक पुलिस स्टेशन भी है अगर आपको किसी भी तरह की पुलिस असिस्टेंस चाहिए. तो जब आप माइकी बैरियर से बाहर निकलते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में 4 और लेफ्ट हैंड साइड में करीब 9 टोटल 13 क्लॉक्स नज़र आते होंगे. ये सारी के सारे डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली सबर्बन ट्रेन्स का टाइम दिखाती हैं. और ये देखिए कितना खूबसूरत सा डोम है. और जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो आपको नज़र आता है सेंट पॉल्स कैथेड्रल. बाहर निकलते ही आपको काफ़ी ट्रैम्स और काफ़ी लोग जो डेली कम्यूट करते हैं ट्रेन से और ट्रैम से वो आपको आते जाते नज़र आ रहे हैं. बाय द वे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे देता हूँ. फ्लिंडर स्ट्रीट में जो क्लॉक्स लगे हैं सारे के सारे क्लॉक्स जो हैं अभी कंप्यूटर ऑपरेटेड है बट पुराने समय पे ये मैन्युअली ऑपरेट हुआ करते थे. और जो एक रेलवे स्टाफ हुआ करता था वो उसको 8 घंटे में तकरीबन 900 बार टाइम चेंज किया करता था. तो देखिए काफ़ी इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर है और वेरी ग्रैंडेस्ट डिज़ाइन है इसका. फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड में आता है फेडरेशन स्क्वायर. तो ये जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल है ये एक बहुत ही मेजर आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है और स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए प्रेयर और वर्शिप के लिए यूज़ करने वाली जगह है और विक्टोरिया की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सेक्रेट प्लेस है. ये तकरीबन 4000 लोग हमेशा एवरी डे यहाँ पर प्रेयर करने आते हैं, शांति की तलाश में गॉड की प्रेजेंस को फील करने आते हैं. ग्राफिटी लेन, ये हॉजियर लेन के नाम से जाना जाता है मेलबर्न के अंदर. और अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरे हॉजियर लेन के अंदर जिस तरह की आर्ट और ग्राफिटी का इस्तेमाल हुआ है. तो गाइज ये है स्ट्रीट आर्ट गैलरी जो कि हॉजियर लेन के नाम से जाना जाता है और 1998 में ये ओपन हुआ था सारे आर्टिस्ट के लिए. तो जो लोकल आर्टिस्ट हैं या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट की प्रतिभा को यहाँ पर लिजिट वे में कर सकते हैं. यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है. जैसे मैंने आपको पहले जब ट्रेन में हम आ रहे थे तो बताया था कि काफ़ी ग्रेफिटी जो है ट्रेन ट्रैक्स के वॉल्स पे करीबी थी वो सारी इलीगल है और उस पर गवर्नमेंट को कई हज़ारों डॉलर्स में खर्चा करना पड़ता है उसको क्लीन करने में हर साल. लेकिन इस स्ट्रीट में जितनी भी आपको आर्ट वर्क दिखाई दे रही है ये सारी आर्ट वर्क एवरी डे चेंज होती है. तो यहाँ पे हर तरह के आर्टिस्ट आते हैं और अपनी आर्ट यहाँ पर बनाते हैं. मोर देन 5000 विजिटर्स यहाँ पर एवरी डे विजिट करते हैं.
क्योंकि ये एक अनदर वर्ल्ड फुल ऑफ कलर्स है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में कल्चर किंग का एक बड़ा शोरूम है। अगर आपको कोई फैशन डिजाइनर क्लोथ्स या शूज लेने हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। स्ट्रीट अगर आप मेलबर्न में आए हैं और फ्लिंडर स्ट्रीट के आसपास में हैं तो यहाँ से एक कप कॉफ़ी ज़रूर पिए। हम टेक अवे कॉफ़ी लेके जा रहे हैं बिकॉज बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखिए सारा पूरा भरा पड़ा है और शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है और एकदम भर जाता है। लाइट्स वगैरह अच्छी हो जाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है यहाँ पर। कहते तो हैं फेडरेशन स्क्वायर बट ये एक स्क्वायर में नहीं है। 2002 में पहली बार इसको ओपन किया गया था पब्लिक के लिए और 2003 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने के लिए यहाँ पे खूब सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अभी न्यू ईयर हॉलीडेज की वजह से काफ़ी क्वाइट है, अदरवाइज ये एक बड़ा ही क्राउडेड स्पेस हो जाता है। काफ़ी वेलकमिंग स्पेस है फॉर एवरीवन, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट, रैली, इवेंट्स, फेस्टिवल, फैशन शो आदि सब के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे अब तक 600 मिलियन विजिटर्स आ चुके हैं। आपके राइट हैंड साइड में देखिए ये एक खूबसूरत सी हेरिटेज लिस्टेड बिल्डिंग है और ये है मेलबर्न टाउन हॉल जो कि 1870 में बना था, जहां पर काफ़ी कल्चरल और सिविक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और ये हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं चाइना टाउन। 1851 में जब विक्टोरिया में गोल्ड रश हुआ था तो काफ़ी चाइनीज़ स्पेशली हांगकांग से ये लिटिल बुक स्ट्रीट में आके बसे थे। ये जो स्ट्रीट है काफ़ी फेमस है स्पेशल चाइनीज़ कुजींस के लिए और लो राइज ब्रिक की बिल्डिंग्स के लिए और फाइव आर्चेस के लिए। देखिए काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको जाना होता है। ये देखिए बिल्डिंग्स वगैरह ब्रिक से ओल्ड फैशन बनी हुई हैं। तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर कुछ ना कुछ फेस्टिव्स, चाइनीज़ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं सेलिब्रेशंस, जिसकी वजह से काफ़ी हलचल इस पूरी स्ट्रीट में बनी रहती है। अब हम पहुंच गए हैं अट्रैक्शन नंबर 6 पे जो कि है स्टेट लाइब्रेरी ऑफ विक्टोरिया। ये 1854 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये विक्टोरिया का ओल्डेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है और वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट फ्री पब्लिक लाइब्रेरी है। ये मेलबर्न का एक लैंडमार्क है और एक कल्चरल आइकन भी है और यहाँ पर आपको 2 मिलियन से ज़्यादा बुक्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स, न्यूज़पेपर्स, मैप्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मासेस ऑफ ऑडियोस, वीडियोस, डिजिटल मटेरियल्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो अब आप देखिए ये कितनी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। ये है लाट्रोप का रीडिंग रूम। इसकी आप ऊपर से देखिए ऑक्टेगनल शेप में डोम्ड सीलिंग है जो कि काफ़ी मैजेस्टिक लगता है। ये जो आर्बर आप देख रहे हैं ये था नेड केली का जो कि 1855 से 1880 तक रहे थे। ये एक बुश रेंजर थे, आउटलो गैंग का एक लीडर था और ये इन्होंने जो आर्मर है ये बुलेट प्रूफ था जो कि इन्होंने पहना था अपनी फाइनल शूट आउट जो हुई थी पुलिस के साथ उसके लिए। नेड केली के बारे में आप और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस म्यूज़ियम में।
आपको काफ़ी टैलेंटेड बस्कर्स इस फ्लिंडर स्ट्रीट पे नज़र आएंगे, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग बजाते हैं, कोई गिटारिस्ट मिलेगा, कोई सिंगर मिलेगा, तो कोई ड्रमिस्ट मिलेगा, कोई डांसर भी मिलेगा, तो हर तरह के बस्कर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। रात को जब यहाँ लाइट जल जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे अट्रैक्शन नंबर 7 पे, जो कि है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। ये एक प्लेस है ग्रीव्स और रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टोरियंस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में मारे गए थे। ये भी मेलबर्न का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है। यहाँ पर आप वॉर टाइम के ऑस्ट्रेलियंस का रियल लाइफ स्टोरीज को डिस्कवर कर सकते हैं। It's broken over 3 levels. Okay. So when you go up this staircase, yeah. This is the museum. Correct. Then you go up to the next level, which is the sanctuary. Yeah. And then you go to the next level, which is the balcony. Beautiful. Do it in whichever order you yeah. like. Yeah. On the balcony level, you get your Victorians anyway. Yeah. You'll recognise the MCG. Yeah. Park. All right. The sanctuary is just one large area. Yeah. And then. These were the foundations that okay. are now become a museum. All right, cool. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। हर ऑस्ट्रेलियन 11 बजे मौन होकर उन सभी सैनिकों को याद करता है जो पीस कीपिंग ऑपरेशन के दरमियान शहीद हुए। हर साल 25 अप्रैल को एनजैक डे भी मनाया जाता है। ये उस दिन को याद करके मनाया जाता है जिस दिन ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स 1915 में टर्की में लैंड हुए थे और यहाँ पर इस युद्ध में तकरीबन 80,000 ऑस्ट्रेलियन मारे गए थे, और उनको याद करते हुए ये हर साल एनजैक डे बनाते हैं। अब हम पहुँच गए हैं हमारे अट्रैक्शन नंबर 8 पे, जो कि है रॉयल बोटानिक गार्डन। ये एक टूरिज्म अवार्ड विनिंग गार्डन है, जो कि फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव प्लेसेस है, और एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर रेन गार्डन है, बैम्बू फॉरेस्ट है, द किचन गार्डन है और द प्लांट टनल है। अगर आप सिटी में घूम कर आए हैं और आप थके हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा रॉयल बोटानिक गार्डन घूमने के लिए पैदल चलना होगा। ये देखिए सामने ये गाड़ी है, इसमें आपको गाइडेड टूर मिलता है आधे घंटे में, और आधे घंटे में ये आपको पूरा रॉयल बोटानिकल गार्डन घुमाते हैं। ये गार्डन 38 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और 175 साल पुराना गार्डन है। यहाँ पर दुनिया भर से करीब 8,500 प्लांट्स की स्पीसीज लगाई गई हैं। यहाँ प्लांट स्पीसीज के अलावा नेशनल हर्बेरियम भी है, मेलबर्न ऑब्जर्वेटरी भी है, और बच्चों के लिए मैजिकल गार्डन है जो कि यन पॉटर फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेलबर्न में 2 बोटानिक गार्डन हैं, एक सीबीडी में है जो अभी हम घूम रहे हैं, और एक क्रैनबर्न में भी है। अगर आपको क्रैनबर्न वाला पास पड़ता है, आप उसके आसपास रहते हैं, तो आप क्रैनबर्न के बोटानिक गार्डन में भी जा सकते हैं। ट्रैम्स जो हैं सीबीडी एरिया में टोटली फ्री हैं, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे अट्रैक्शन नंबर 9 पे, जो कि है एनजीवी इंटरनेशनल, नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया। एनजीवी इंटरनेशनल ये ऑस्ट्रेलिया का ओल्डेस्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक आर्ट म्यूजियम है, जो कि 2 मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स में फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 70,000 से ज़्यादा आर्ट वर्क डिस्प्लेड है, जो कि पुराने समय से लेकर लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क है। ये 10 से 5 डेली ओपन होता है और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पर कुछ स्पेशल एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें फीस एप्लीकेबल होती हैं। वर्ल्ड की किसी भी आर्ट गैलरी से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन आर्ट यहाँ परमानेंटली डिस्प्लेड है।
ये है आर्ट सेंटर ऑफ मेलबर्न, ओरिजिनली विक्टोरियन आर्ट सेंटर। इसके अंदर काफ़ी थिएटर्स हैं, कंसर्ट हॉल्स हैं, और अगर आपको कोई लाइव शोज देखने हैं तो आप यहां आकर देख सकते हैं। ये है साउथ गेट, जो कि यारा रिवर के बैंक्स में बसा हुआ है और फ्लिंडर्स स्ट्रीट रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट है। जब आप यहाँ से चलते हैं तो आपको काफ़ी वाइब्रेंट रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी शॉपिंग डेस्टिनेशंस हैं, और बोट्स और क्रूज अगर आपको करनी है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो आप देख रहे हैं टॉल बिल्डिंग, ये है यूरेका टावर, और इसके अंदर है 88th फ्लोर पे स्काई डेक। अब हम वहाँ जाएंगे और पूरे सिटी को ऊपर से देखेंगे। दिस इज अ 10th अट्रैक्शन विच इज मेलबर्न स्काई डेक। तो अब हम जा रहे हैं एलिवेटर पे, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे क्विकेस्ट एंड क्वाइटेस्ट एलिवेटर है। ये 88th फ्लोर पे हमें सिर्फ लेस देन 40 सेकेंड्स में पहुंचाता है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको 360 डिग्री लुकआउट मिलता है, जहाँ से आप इनर सिटी से लेकर रीजनल कोस्ट लाइन तक देख सकते हैं। अगर आप थ्रिल सीकर हैं तो आप इस लार्ज ग्लास ऑफ केज में जरूर बैठें, जिसे कि एज कहते हैं। ये स्लोली टावर से बाहर निकलता है और 300 मीटर की ऊंचाई से मेलबर्न दिखाता है। ये एक थिक ग्लास ऑफ लेयर है जिससे जो आपको होल्ड करती है। ये टेरिफाइंग और इनक्रेडिबल व्यू ऑफ सिटी आपको देखने को मिलता है। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye for now.